करिए कुछ करिए नस नस मेरी खोले। हेलो भाई, राम राम सारा भाई ना। और आज हम आ गए हैं जूते हुए खेत में, इसी में आज हम दौड़ मारेंगे। तो भाई जूता हुआ खेत आप देख ही रहे हो और आज इसी में हमारी दौड़ है। काफी टाइम हो गया हमें रोड पर भी भागते हुए और आज हम जूते हुए खेत में भागेंगे। इसमें कितना कंफर्ट मिलता है और रोड में कितना कंफर्ट मिलता था और उसका कंपैरिजन हवा इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पहले हम थोड़ी सी रनिंग करेंगे अभी, फिर हम आपको बताएंगे। भाई खेत में रनिंग करके बड़ा मजा आया, मुझे तो रोड से कंफर्टेबल लगा ही, क्योंकि यहाँ पे पाँव कम से कम ना इतना चला जाता है, इतना पूरा हमारा। तो भाई रनिंग करके बड़ा मज़ा आया, मैं तो आपको खेत में भागने की सलाह दूंगा रोड की बजाय। प्लस खेत के फायदे भी हैं, आपको पता ही होगा कि स्टैमिना ज़्यादा बढ़ता है क्योंकि आपको भागने के लिए जोर लगाना पड़ता है। तो भाई कम से कम हफ्ते में 2-3 बार तो ज़रूर ऐसे जूते हुए खेतों में भागे ताकि आपका स्टैमिना बना रहे और काफ़ी अच्छा बना रहेगा। रोड पे भागने से अच्छा है कि हम खेतों में भागें और जितना हमें एफर्ट खेतों में लगाना पड़ेगा उतना हमें रोड पे नहीं लगाना पड़ता और हमारा जो स्टैमिना है वो केवल रोड तक ही सीमित रह जाता है अगर हम रोड पे भागते हैं तो। खेतों में भाई हमारा तो एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा मेरा, तो भाई मैं तो फर्स्ट टाइम ही भाग रहा हूँ और जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो हम अपने इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं आपसे। रोड की अपेक्षा ये बहुत ही कंफर्टेबल है हमारे लिए और अगर हो सके तो हमें कम से कम हफ्ते में 3-4 दिन इसी में भागने की कोशिश करनी चाहिए। इससे आपको पता ही होगा कि रोड पे भागने से हमारी जो हड्डियां हैं वो दर्द करने लग जाती हैं और इसमें क्या है कि जो हमारी पाँव की जो हड्डियाँ होती है वो दर्द नहीं करेगी और कम्फर्ट है, भागो इसी में भाई, मैं तो यही सलाह दूंगा। और भाइयों जो आप लोग जो वीडियो में यूट्यूब पे वीडियो में देखते हो कि भाई रोड पे भागने के ये फ़ायदे हैं और खेतों में भागने के ये फ़ायदे, मैं तो कहूँगा भाई जहाँ पे आपको कंफर्ट लगे वहाँ भागो। सलाह मैं आपको खेतों की देता हूँ अपनी तरफ से जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा और जो आर्मी वाले जो भाई हैं जो तैयारी करते हैं उनके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है अगर आपके पास खेत ऐसे उपलब्ध हैं तो वहाँ पर आपके एरिया में। अगर रोड पर ही है तो फिर उसमें तो ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं है कि भाई कहाँ भागना है, वो तो आप फिर रोड पे भागेंगे। और तो भाई ऐसी ऐसी नई नई वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करे, कमेंट करे, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल पे जुड़े रहे। राम राम, जय भोलेनाथ।